हे गाइस, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल इंडियन मॉम कांचन। सो गाइस, यहाँ पर ये चले गए थे ड्यूटी और बच्चे ना उड़ गए थे। तो उसके बाद बच्चे आ जाते हैं हॉल में उठने के बाद और क्या करते हैं कि सोफ़े के पूरे निकाल देते हैं और सोफ़े पे मतलब लेट जाते हैं, टीवी वगैरह देखते रहते हैं, ऐसा ही कुछ करते रहते हैं। तो सारा कुछ हॉल में ही होता है उनका, और उसके बाद खाना पीना भी हॉल में ही होता है। तो इसकी वजह से ना थोड़ा सा हॉल जो है वो मैसी दिखता है। तो मैं उनको थोड़ा सा रिलैक्स होने देती हूँ, मतलब काफ़ी देर तक वो अपने मन से करते हैं जो उनको लगता है वो, और उसके बाद फिर जब उनका मन भर जाता है उसके बाद मैं क्लीनिंग स्टार्ट करती हूँ। आजकल क्लीनिंग बहुत ज़्यादा लेट हो रही है, सारी चीज़ें सुबह, मतलब रूटीन थोड़ा बिगड़ गया है क्योंकि बच्चों को थोड़ा सा वो होता है कि अभी फ्री है तो बच्चे अपने मन से ही करने लगे हैं जो भी करते हैं, मतलब कि लेट उठना और उसके बाद फिर हॉल में आ जाना, टीवी देखना, कार्टून देखना, ये सारी चीज़ें हो रही है। अभी घर पे बैठ के भी वो क्या करे, बाहर भी नहीं जाने दे रहे हैं हम लोग उन्हें, और खेलने भी नहीं दे रहे हैं ज़्यादा, बाहर तो निकलने ही नहीं दे रहे हैं। गेट के बाहर कितने दिन हो गए हैं, बच्चे गए है नहीं है। और उसके बाद तो मतलब लॉकडाउन के बाद तो बच्चे गेट के बाहर भी नहीं निकल रहे हैं, तो क्या कर सकते हैं, बच्चे जो कर रहे हैं अभी घर में तो वो करने देना पड़ रहा है उन्हें। अभी बज रहे हैं दोपहर के 2, और हाँ इनका कॉल आया था, बोल रहे थे कि आलू बोंगा बनाऊंगा उधर से आने के बाद, मतलब ड्यूटी से अभी तक आया नहीं है तो बोल रहे थे कि जब आऊंगा तब आलू बोंगा बनाऊंगा अपने हाथों से। तो रेसिपी तो आप बाद में देख लेना उनके हाथों से बनी हुई आलू बोंगे की। उसके लिए सबसे पहले तो मुझे आलू बॉयल करने के लिए डालने होंगे, तो सबसे पहले मैं डाल देती हूँ आलू बॉयल करने के लिए, उसके बाद वो आ जाएंगे, उसके बाद आप रेसिपी देख लेना। स्प्रे भी खत्म हो गया था, इसमें डेटॉल और पानी का मिक्स करके हम लोग रखते हैं, आप लोगों को पता है मैंने बताया था एक वीडियो में आपको। तो ये वाला, ये आने के बाद इनके ऊपर छिड़कना पड़ता है, मतलब पहले इनके ऊपर हम लोग ये वाला छिड़कते हैं स्प्रे और उनके हाथ सैनिटाइज करते हैं, उसके बाद उन्हें घर के अंदर लेते हैं। तो इस तरह से सजा मिल रही है अब उनको। तो चलिए अभी वो आ जाएंगे, उसके बाद आपके साथ रेसिपी शेयर करूंगी आलू पोंगे की। We'll be right back.
जो पोंगे के साथ गुदा बनाया जाएगा मतलब आलू का, तो उसके लिए पहले हमें डालना है, मतलब पोंगे को क्या बोलते हैं हिंदी में मुझे नहीं पता है, जो रॉड हमने फ्राई की है ना उसे पता नहीं क्या बोलते हैं हिंदी में, आप कमेंट करके ज़रूर बताना मुझे। पहले ना आलू को स्मैश कर लिया था, उसके बाद उसमें डाला है लाल मिर्च पाउडर, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना है। उसके बाद उसमें ऐड किया था जीरा पाउडर, धनिया पाउडर और फिर काला नमक ऐड किया है, और ये सादा नमक ऐड कर रहे हैं। और उसके बाद ना प्याज बारीक बारीक चॉप करना है और प्याज डालना है, और उसके बाद धनिया पत्ता डालना है, और बस इसे मिक्स कर लेना है अच्छे से, ताकि ये सारे चीज़ें जो है वो अच्छे से उसमें मिक्स हो जाए। और सारी चीज़ें आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग डालनी है आपको, मतलब मिर्च पाउडर वगैरह आप तेज़ खाते हो ज़्यादा तो आप थोड़ा सा तेज़ डाल दीजिए, अगर आपके पास हरी मिर्च का पेस्ट है तो वो भी डाल सकते हो आप इसमें टेस्ट बढ़ाने के लिए। फिर ये जो गुदा बनेगा मतलब ये आलू का जो पेस्ट बनेगा उसके साथ, ये पोंगे के साथ खाना है आपको उसे। किसी ने खाया होगा, किसी ने नहीं खाया होगा, अगर नहीं खाया है तो प्लीज़ एक बार बना के देख लेना, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, बहुत यम्मी लगता है, आप एक बार ट्राई करके देखना और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कैसे लगा। ले लो उधर, हम लोग ले लेंगे। तो चलिए आलू पोंगा तो बन चुका है, आप भी आ जाइए खाने के लिए। आ जाओ बेटा, सो गाइस शाम का डिनर तो मतलब रात का डिनर, शाम का डिनर कहाँ होता है यार, रात के डिनर की तो तैयारी यहाँ पर हो भी गई है। मतलब पापड़ा जो उस दिन मैंने आपको नहीं बताया था, पापड़ा जो हमने डिनर में खाया था वही इन्होंने अभी बनाया है, चटका वही इन्होंने अभी बनाया है और वही खाएंगे अब हम लोग डिनर का। आज का भी टेंशन खत्म हो गया मेरा, नहीं मैं नहीं खाऊंगी, मुझे खाना नहीं है मतलब भूख नहीं है, वो आलू पोंगा खाया था ना उसकी वजह से भूख नहीं है बिल्कुल भी। अभी आप खाओगे और माही खाएगी और अद्वित खाएगा सिर्फ, मैं नहीं खाऊंगी। नहीं 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 मैं ग्रीन टी लेती हूँ और थोड़ा सा टेस्ट करूंगी लगे तो। चलिए हाँ आलू पोंगा भी बचा हुआ है यहाँ पर है मेरी ग्रीन टी, मैं ग्रीन टी फिनिश करती हूँ, फ्रेश हो जाती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ आपसे। सो गाइस फ्रेश हो गई, डिनर हो गया है और हाँ किसी ने पूछा है कि ये जो मेरा फ्रिज है वो कौन सी कंपनी का है, तो ये है डियर वर्लपूल कंपनी का। एक्चुअली ये ना इस पर कुछ लिखा नहीं है, अभी यहाँ पर फट गया है, ये यहाँ पर था सारा कुछ लिखा हुआ बट यहाँ पे फट गया है, तो कितने लीटर का है ये मुझे नहीं पता है, बट ये वर्लपूल कंपनी से है। हाँ आइस मैजिक फ्रिज यहाँ पर लिखा है, तो कुछ इस तरह से ये वाला फ्रिज मेरा। और हाँ किसी ने और रिक्वेस्ट की थी कि जो मेरी ट्रेडमिल है उसके बारे में बताओ, क्योंकि काफी दिनों से वो रिक्वेस्ट की जा रही थी बट मुझे ना याद ही नहीं रह रहा था, एक ब्लॉग में मैं सोच रही थी कि उनके क्वेश्चन का आंसर करूँ बट मैं भूले जा रही थी, आज मुझे सडनली याद आया कि मुझे उनके क्वेश्चन का आंसर भी करना है। एक्चुअली उन्होंने मुझसे पूछा था कि जो मेरी ट्रेडमिल है वो कितने की है, उनको लॉकडाउन के बाद वो लेनी थी इसी वजह से, एक्चुअली उसके बारे में मैं इसी वजह से थोड़ा सा सोच रही थी कि आपको बताऊँ या ना बताऊँ। एक्चुअली क्या हुआ है कि मुझे उसका एक्सपीरियंस ऐसा है कि उस पर ना अगर आप वर्कआउट करते हो या रनिंग वगैरह करते हो ना थोड़ा सा हार्ड जाता है आपको, जैसे आपको अगर जिम की आदत हो गई है इलेक्ट्रॉनिक मशीन की तो आपको बहुत ज़्यादा हार्ड जाएगा वहाँ पर, मतलब वो मैनुअल है इसी वजह से,
वो 3-in-1 है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वहां पर ट्विस्टर मिल जाता है, उसमें आप रनिंग कर सकते हो, मतलब बहुत ज्यादा हार्ड जाएगा लेकिन आपको करने में। अगर आपको फिर भी प्रॉब्लम नहीं है तो आप ले सकते हो, बट मेरी अगर मानो तो आप मत लो उसे, क्योंकि मैं ही खुद पछता रही हूँ उसे लेके। और उसकी जो प्राइस है वो ज्यादा कॉस्टली नहीं है, वो मतलब 15,000 के अंडर ही है, मतलब 13,000 के ऊपर और 15,000 के अंदर ऐसे कुछ, तो भी 14,000 या 15,000 की मुझे मिल गई थी वो, तो ज्यादा कुछ कॉस्टली नहीं है। बट मैं चाहती हूँ कि उतने भी पैसे आप क्यों गवाओ उसमें। अगर आपको लेनी है तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडमिल लो, ट्विस्टर वगैरह लेना है तो ट्विस्टर बहुत आराम से मिल जाएगा 1,000 तक, तो आप ट्विस्टर ले सकते हो। और जो आपको अप डाउन होता है वो जो क्या बोलते हैं क्रॉस्टनर टाइप का है, तो वो कुछ काम का नहीं है उसमें, वो कुछ यूज नहीं होता है, सिर्फ ट्विस्टर यूज होता है। तो ट्विस्टर आप आराम से सेपरेट ले सकते हो। और ट्रेडमिल अगर लेनी है आपको तो इलेक्ट्रॉनिक लो, उसमें पैसा वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है, मुझे तो ऐसा लगता है, क्योंकि मेरी यहाँ पे पड़ी ही है, बहुत कम मैं उसे यूज करती हूँ, साइकिल ज्यादा यूज करती हूँ। अगर आपको लेनी है तो साइकिल लो, मैं आपको सजेस्ट करूंगी साइकिल लेने के लिए, बट वो बिल्कुल मैं सजेस्ट नहीं करूंगी आपको, क्योंकि वेस्ट ऑफ मनी है वो। फिर भी आपको लेना है तो मैंने अपना एक्सपीरियंस आपको बता दिया, आप पे डिपेंड करता है कि आपको लेना है या नहीं लेना है, बट पैसा बर्बाद है उसमें अगर आप लोगे तो। मैं चाहती हूँ कि आप इलेक्ट्रॉनिक मशीन लो, थोड़े से पैसे आपको ज्यादा डालने पड़े तो भी चलेगा, नहीं डालना है इतना ज्यादा पैसा तो आप डायरेक्ट जिम ज्वाइन कर लो या वॉकिंग करने के लिए जाया करो, वो फायदा नहीं है उससे, फालतू में इतना जगह भी कवर कर लेता है। मैंने ले लिए तो कुछ कर नहीं सकती हूँ, उस टाइम मुझे कोई बताने के लिए नहीं था, इस वजह से मैंने वो ले ली। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी मैं उस पर वर्कआउट नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि बहुत ज्यादा हार्ड जाती है वो वर्कआउट करने के लिए, मतलब रनिंग करने के लिए बहुत ज्यादा हार्ड जाती है। और हाँ चलिए फिर इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ, टाइम आ गया है नाम लेने का। तो फर्स्ट नाम है प्रियंका निगाड़े और सेकंड नाम है नाहिद, और उन्होंने अपनी सिस्टर का नाम लेने के लिए भी मुझे बोला था, तो उनकी सिस्टर का नाम है शिरीन। तो कॉन्ग्रेचुलेशन टू बोथ ऑफ यू। और हाँ आज से ना रमजान स्टार्ट हो गया है, तो किसी ने मुझे कमेंट भी की थी कि आज से रमजान स्टार्ट हो गया है और उनका पहला रोजा है आज, तो जो जो मुस्लिम मुझे देख रहे हैं उनके लिए हैप्पी रमजान। और हाँ जिन जिनका इस ब्लॉग में नाम नहीं आया है तो इस ब्लॉग पे आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो, नेक्स्ट ब्लॉग में मैं आपका नाम लेने की जरूर कोशिश करूंगी। तो चलिए फिर इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ अच्छे से नए ब्लॉग में आपसे। आई होप आपको ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर आपने नहीं किया है तो। और आप चाहो तो मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, उसमें मैं प्रोडक्ट के रिव्यूज, ब्यूटी रिलेटेड टिप्स वीडियोज, हॉल वीडियोज, मेकअप वीडियोज इस तरह से डालती रहती हूँ। और आप में से कोई अगर मराठी मुझे देख रहा है तो मेरा एक मराठी ब्लॉग चैनल भी है, तो आप चाहो तो मुझे वहां पर भी सब्सक्राइब कर सकते हो। दोनों चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, प्लस इंस्टा का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप चाहो तो मुझे वहां पर भी फॉलो कर सकते हो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल, बाय।